अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 14th June 2022। आज 14 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल एंड। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के ऐसी अपडेट मिलती रहे। ओके, सो आई विल स्पीक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो दिस वीडियो इज ऑल्सो इन बायलैंग्वल, दिस वीडियो इज बायलैंग्वल। ओके, बायलैंग्वल होने वाला है सो आप सभी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेज दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 7.4%। ठीक है, आप सबने न्यूज सुना होगा अप्रैल में जो रिटेल इन्फ्लेशन था 8 सालों में पहली बार इतना हाई देखने को मिला था, 7.79% पे आ गया था इन अप्रैल। ओके, नाउ इट केम टू 7.04% इन मे। ओके, हाउएवर मैं आपको रूरल और अर्बन एरिया के जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको बता दूं तो जो रूरल एरियाज में जो कंज्यूमर्स है दैट वहां पर भी आपको इन्फ्लेशन, आपको वहां पर भी गिरावट देखने को मिलेगी फ्रॉम अप्रैल टू मे डाटा। ठीक है, अप्रैल से अगर मे का डाटा कंपेयर कीजिएगा तो वहां भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। जो अप्रैल में 8.38% था इन्फ्लेशन, इट फेल टू 7.01%। ठीक है, इट फेल टू 7.01%। ठीक है, वहीं पर मैं आपको अर्बन एरियाज के हाउस होल्ड की आपको मैं बता दूं तो वहां पर वर्चुअली फ्लैट देखने को मिला मंथ ऑन मंथ। ओके, 7.09 7.08 के आसपास इन देखने को मिला इस इन्फ्लेशन। ओके, जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है विच हैड हिट अ 17 मंथ हाई ऑफ 8.31% इन अप्रैल। ठीक है, कितना था, 8.31% था और दिस केम टू अ लिटिल डाउन टू 7.97% इन मे। ओके, थैंक्स टू डिक्लाइन इन रूरल फूड डिक्लेशन टू 7.76। ठीक है, फ्रॉम 8.5। ठीक है, जो रूरल में फूड जो इन्फ्लेशन था वहां पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, 8.5% से जो था जो कि अप्रैल में था वो 7.76% हो गया मई में। ओके, जो हाउएवर जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स था इट्स सर्च फॉर अर्बन इंडिया टू 8.2% इन मई फ्रॉम 8.09 इन अप्रैल। ठीक है, तो हर चीज़ में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, महंगाई थोड़ा सा कम हुआ है अकॉर्डिंग टू द डाटा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अप्रैल डाटा एंड मई के डाटा से। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बता दूँ जो शार्प यहाँ पर प्राइस राइज देखने को मिले कहाँ पर, टोमेटो के प्राइस में और पोटैटो के प्राइस में, तो वो एक रिमेन कंसर्न बना हुआ है इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल। ओके, एज वेल एज अगर आप देखें तो वीट और राइस के जो प्राइसेस हैं ये भी अगेन आसमान छुए हुए हैं। ठीक है, आज के डेट में, और इन्फ्लेशन को इनका भी थोड़ा सा योगदान है इन्फ्लेशन में। ओके, सो जो हाउएवर जो टोटल इंडेक्स में अगर आपको बता दूं तो जो इन्फ्लेशन हुई है रिटेल इन्फ्लेशन इट इज टू 7.04% एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डाटा। ओके, एज पर अकॉर्डिंग टू द अप्रैल डाटा। ठीक है, इट्स केम टू 7.04 फ्रॉम 7.79%। ओके, सो रिटेल इन्फ्लेशन आपको थोड़ा सा इसमें गिरावट देखने को मिलेगा, इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस कि थोड़ा सा महंगाई कम हुआ है। ओके, नाउ मूव अहेड एंड लेट्स सी अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग कवर करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी विजिट पे गए हुए हैं किसके, पादेरू में। ओके, एंड दे प्रॉमिस्ड देयर टू गिव एड्स टू ट्राइबल। ठीक है, दे प्रॉमिस ओवर देयर दैट दे विल प्रोवाइड एड्स टू ट्राइबल एंड डिस्पैरिटीज विल बी करेक्टेड। ठीक है, तो डिस्पैरिटीज सॉल्व की जाएगी और ये एड्स देंगे किसको, हेल्प करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज को वहाँ पे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव टुवर्ड्स दिस। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा मूव है हमारे और अदर नेशंस के बीच में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, नाउ मूविंग अहेड लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं और बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल आया है, आप सबको पता है इसके बारे में दैट ग्लोबल जो फूड की जो प्राइस है वो आज के डेट में जो बढ़ रही है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या क्या है, उसके हिस्ट्री क्या है उसके पीछे की, व्हाट वर द रिसेंट स्पाइक हम लोग किस किस में देखने को मिला है, व्हाट विल द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, वीट की जो एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है, आप सबको पता है कि रिसेंटली न्यूज़ आई थी एक दो हफ्ते पहले कि इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, तो उस टाइम पे G7 कंट्रीज़ के जो मेंबर्स थे, टर्की ने भी बोला था कि आप मत कीजिए ऐसा, बहुत सारी और अदर कंट्रीज उन्होंने बोला था। ठीक है, तो ऐसी हमने शुगर पे भी बैन लगाया है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर था क्योंकि हमें सबसे पहले खुद के सिटीजन की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तभी तो अगर हम खुद के सिटीजन की सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं और हम दूसरे की कंट्री पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम ये सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग राइट थिंग। ओके, बट हम पहले खुद के सिटीजन की जो सिक्योरिटी है, हम अपना खुद का जो कंट्री है उसका इन्फ्लेशन पहले कम कर ले, तभी जाके हम अदर कंट्रीज का जो प्रॉब्लम है सिचुएशन है उसको हैंडल कर पाएंगे। ओके,
सो ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इसका, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आया था, ठीक है, जो हिस्ट्री बताता है, हिस्ट्री बताता है एज पर अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। मैं आपको बता दूँ, जो फाओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन का और वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इनके डाटा से ये हमें पता चलता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है ना, उसमें जो एडॉप्शन हुआ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में जो एडॉप्शन हुआ इन अर्लियर 1960s, दिस इज द ऑनसेट, ठीक है, ये हमें बताते हैं क्या ऑनसेट, ठीक है, ये हमें बताते हैं ऑनसेट के बारे में कि जो वर्ल्ड है इट हैज स्ट्रक थ्राइस बाय द फूड प्राइस क्राइसिस, ठीक है, तीन बार वर्ल्ड फंसा है फूड क्राइसिस में, ठीक है। पहला कब था, दैट वाज इन 1973 एंड 1976, ठीक है, 1973 एंड 1976 में पहले बार हमें देखने को मिला जहां पर फूड प्राइस जो इंडेक्स थी वो डबल हो गई थी इन नॉमिनल टर्म्स एंड इंक्रीज बाय 1/3 इन रियल टर्म कंपेयर टू प्री शॉक एवरेज ऑफ 4 ईयर, ठीक है। सो जो नॉमिनल टर्म था वहां पर डबल हो गया था और जो यहाँ पर हम इंक्रीज देखने को मिला था 1/3 का, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्री स्टॉक एवरेज लेवल एवरेज ऑफ 4 ईयर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस नॉमिनल एज वेल एज द रियल प्राइस ऑफ फूड बिगेन राइजिंग, ठीक है, जो नॉमिनल है और इसके हिसाब से जो रियल प्राइस है उसमें फूड के जो प्राइसेस है वहां पर स्टार्ट होने लगे, बढ़ना स्टार्ट होने लगे, ठीक है। सो दिस मोमेंटम बिल्ट अप टू कल्मिनेट इन नेक्स्ट फूड प्राइस क्राइसिस इन 2008, ठीक है, तो 2008 में भी हमें देखने को मिला मोमेंटम एक, ठीक है, और ठीक है, और फर्दर इंटेंसिफाई हुआ 2011 में, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर सॉफ्टनिंग देखने को मिला फूड के प्राइसेस में, ठीक है, जो प्राइसेस था प्राइस सॉफ्ट था, इट्स बिगेम सॉफ्टेंड आफ्टर 2014, ठीक है, 2014 के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, ठीक है, फूड के जो प्राइसेस थे डिड नॉट मूव बैक टू द 2006 लेवल, ओके। हाउएवर जो इसके मैं आपको बता दूँ, जो लल था इन ग्लोबल फूड प्राइसेस इट स्टेड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन फ्रॉम 2015 टू 2019, ठीक है, फूड के जो प्राइसेस है अगेन स्टार्ट हो गए बढ़ना बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020, 2020 के तीसरे क्वार्टर से ये अगेन स्टार्ट हो गए बढ़ना, और कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं कि जो फूड के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्रिल्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। दिस टाइम द इंक्रीज इन द फूड प्राइसेस इंडेक्स हैपन वेरी क्विकली, ठीक है, इट्स स्टेपल्ड वेरी क्विकली एंड इट्स टर्न आउट टू बी वेरी बिग, इट हैज़ टेकन द फूड प्राइस इंडेक्स टू इट्स हिस्टोरिकल हाइएस्ट लेवल, ठीक है, सो अब तक का बहुत ज्यादा ये हाईएस्ट लेवल पे इसको लेके गया है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हमें इसमें देखने को मिली है, ठीक है। पहला हमें कब देखने को मिला था, मैंने आपको बता दिया, पहला हमें देखने को मिला था 1973 टू 76 में, दूसरा 2007 टू 2012 में, ठीक है, एंड द रिसेंट वन विच बिगन्स टुवर्ड द 2020, ठीक है, अभी जो हुआ 2020 से लेकर अब तक जो चल रहा है वो हमें देखने को मिला, ठीक है। दे वर ट्रिगर्ड बाय द फैक्टर आउटसाइड एग्रीकल्चर, ठीक है, दे वर नॉट कॉज्ड बाय एनी सीरियस शॉर्टफॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। सेकंड, इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइस शॉक हैज नैरो डाउन कंसिडरेबली एंड सर्वेबिलिटी ऑफ शॉक इज टर्निंग स्ट्रॉगर, ओके। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ें थी ये हमें पहले भी देखने को मिला है, ठीक है, और इस पर हमें काम करने की जरूरत है, एक साथ होकर टुगेदरनेस हमें यहाँ पर दिखाने की जरूरत है, ठीक है। जो रिसेंट स्पाइक देखने को मिला ये किस वजह से हमें देखने को मिला, आप सबको पता है, एक तो आपको COVID-19 में देखने को मिला होगा, ठीक है, जो COVID-19 पैंडेमिक आया इसमें जो सप्लाई चेन की जो डिसरप्शन हुई, ठीक है, डिसरप्शन हुई उसकी वजह से देखने को मिला। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट एंड राइस, ठीक है, वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ वीट, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ उसके बीच में जो सप्लाई बंद हुई है और उसकी वजह से ये जो फूड के प्राइसेस है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इन्फ्लेशन का, ओके, ग्लोबल इन्फ्लेशन का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहे हैं ये रशिया यूक्रेन वॉर, एज वेल एज ऐसा नहीं है कि हम दोनों फैक्टर इसके ऊपर हम वो कर दें, ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा है, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रीजन मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है, एंड सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू रीजन इन फूड प्राइस एंड बिल्ड अप द प्राइस शॉक कैन बी डिसर्न फ्रॉम द ट्रेड पैटर्न, ठीक है, डिसर्न फ्रॉम द ट्रेड पैटर्न एंड कंपोजिशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फूड कम्युनिटीज, ठीक है, और ये कुछ अदर फैक्टर और भी हैं, जैसे हम दो ही फैक्टर तो नहीं लेके चल सकते ना, ठीक है, दो ही फैक्टर, एक COVID-19 पैंडेमिक को जिम्मेदार और दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर को ही जिम्मेदार हम नहीं ठहरा सके, ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि कंपोजिशन ऑन द यूजर्स ऑफ फूड कम्युनिटीज, ठीक है, और डिसंस फ्रॉम द ट्रेड पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, जो द करेंट फूड प्राइस स्पाइक है इट वॉज फर्स्ट बिगन इन वेजिटेबल ऑयल एंड देन एक्सपेंडेड टू क्रेल्स, ठीक है, तो पहले हमें किस में देखने को मिला था, प्राइस तो बढ़े, ठीक है, कंटिन्यूसली बढ़े, लेकिन जो सबसे पहले हमें किस पे इंपैक्ट देखने को मिला, जो वेजिटेबल ऑयल है उस पर इंपैक्ट देखने को मिला, सरसों के तेल हो गए या फिर आपके रिफाइंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, रिफाइनरीज प्रोडक्ट
रिफाइनरीज ऑयल हो गए, ठीक है, तो इन पे आपको सबसे ज़्यादा स्पाइक पहले देखने को मिला। जो मैं पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 108 या 105 रुपये में आपको एक लीटर लेता था, रिफाइंड में लेता था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में वो 200 रुपये हो के आसपास हो गया, ठीक है, 200 रुपये के आसपास हो गया। तो रिफाइंड के जो प्रोडक्ट्स है, ऑयल के जो प्रोडक्ट है, इस पर सबसे पहले असर पड़ा था, उसके बाद ये एक्सपैंड होकर क्रेल्स पर आया, ठीक है। द ट्रेड पैटर्न ऑफ दीज कॉमोडिटीज सो अराउंड 38% ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इट्स ग्लोबली ट्रेडेड, ठीक है। तो जो 38% वेजिटेबल ऑयल है वो प्रोड्यूस होता है एंड कंज्यूम इट्स इन ग्लोबली ट्रेडेड। इन केस ऑफ वीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेड टू मीट ग्लोबल डिमांड्स फॉर्म 25% एंड ओनली 1/10 ऑफ राइस आउटपुट और कंजप्शन इज ट्रेडेड। ट्रेड डिपेंडेंसी फॉर मेज इज 16%, ठीक है। तो 16% ट्रेड डिपेंडेंसी है किसकी, मेज की, ओके okay? और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने ये क्लियर कर दिया, ओके okay? नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको बता दूं जो सेकेंड रीजन है फॉर यूज़ ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर बायोफ्यूल इज टू मैंडेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ठीक है, जो इंक्रीज है शेयर में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में, ओके, दिस थिंग्स आर हेयर, ओके। नाउ फूड की जो प्राइस है, इट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गो अप इन करेंट एंड नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फूड के प्राइसेस आपको यहाँ पर पैंडेमिक खत्म हो जाएगा या फिर रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा तो फूड के प्राइसेस आपको कम हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। बोला जा रहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू आने वाले करंट दिनों में, आने वाले हार्वेस्ट सीजन में आपको यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रोकेमिकल्स, ठीक है। जो इंटरनेशनल प्राइस है फर्टिलाइजर का, ये इंक्रीज हमें इसमें देखने को मिला है, 150% से इंक्रीज देखने को मिला है इन बिटवीन अप्रैल 2021 एंड अप्रैल 2022 में, ओके। जो इंटरनेशनल प्राइस है, जो बैग ऑफ यूरिया है उसमें 50 kg, जो एक बैग होता है तो 50 kg का होता है, इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है लेस देन 1000 टू मोर देन 3000 इन लास्ट 15 मंथ्स में हमें ये देखने को मिला है, ठीक है, लास्ट 15 महीने में हमें इतना बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने बैन लगाया था इसके बारे में मुझे आप सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी की पहले जरूरत है, उसके बाद ही हम दूसरे की कंट्रीज की मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इसीलिए बैन लगाया था ताकि हम अपने कंट्री के जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल कर पाए, हम अपने कंट्री के जो नीड है उसको पूरी कर पाएं, तो हमें तभी जाके हम दूसरे की कंट्री की नीड को पहले हम पूरी कर पाएंगे। लेकिन हाउएवर ऐसा नहीं कि कंप्लीट बैन था, हमने बोला था कि जो जिस कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरत होगी हम उस कंट्री के गवर्नमेंट से बात करेंगे, उसके बाद हम दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत ज्यादा ग्लोबली इंपैक्ट पड़ा इस चीज का, ठीक है, फूड प्राइसेस का बहुत ज्यादा ग्लोबली इंपैक्ट पड़ा जो कि हमने यहां पर देखा, ठीक है, हमने यहां पर देखा, इस बार हमने फील भी किया है, ठीक है, इस बार हमने फील भी किया है, ठीक है। एज द स्टीम ऑफ ग्लोबल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी स्लो डाउन विद द स्टार्ट ऑफ द 21st century, फूड प्राइस बिगेन इंक्रीजिंग इन रियल टाइम, ठीक है। तो अब फूड प्राइस हमें लगातार वहां से बढ़ते हुए देखे हैं, हमने यहां पर बढ़ते हुए देखे हैं, ठीक है। तो फूड प्राइस का बढ़ने का रीजन मैंने आपको होप क्लियर कर पाया, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मेरे को क्लियर हो गया फूड के प्राइस बढ़ने का रीजन, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जो इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक था उसके बारे में है, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक एंड नेशंस विद इन अ नेशन के बारे में। तो जो स्ट्रगल था वो इट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो स्ट्रगल था, वैसे वैसे जो रीजन थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्पल की अगर ड्यूरिंग अ पैंडेमिक मैं आपको बता दूँ तो फॉर एग्जाम्पल एम्पल हो गया, ठीक है, देयर इज सडन इंक्रीज इन डिमांड फॉर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमें वहाँ पर देखने को मिला H1N1 जो पैंडेमिक था वहाँ पर 2009-10 में, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि फ्लू वैक्सीन था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी डिमांड बहुत ज़्यादा था। आज के डेट में जो COVID-19 है उसके बाद वो भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इन एबसेंस ऑफ द पैंडेमिक द प्रोडक्ट डिमांड इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड द सोर्स ऑफ रिफॉर्म्स एज इट्स इंसेंटिवाइज दियर इंगेजमेंट्स इन इट्स हाई फिक्स्ड कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिसर्च टू प्रोड्यूस लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज वैक्सीन, ठीक है। तो आपको पता है जैसे जैसे आउटब्रेक आया उसका इंपैक्ट भी हुआ, इंपैक्ट हुई लोगों के बीच में डिमांड बढ़ा तो हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें निकालना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा वैक्सीन को, ठीक है, लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से ये जो स्ट्रगल था इट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाउ यही था इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे इसमें दिया हुआ है कि ये आपको वैक्सीनेशन मार्केट यहाँ पर है, कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए गए, तो हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। मूविंग अहेड लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एडिटोरियल
अब एडिटोरियल तो खत्म हो गया, आर्टिकल ही हम लोग देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि नहीं। ठीक है, सो मूविंग अहेड अहेड, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्रिटिक्स है वही निपुर शर्मा वाली क्रिटिक्स है। ठीक है, सेंटर टू बूस्ट सप्लाई फॉर फोर्टिफाइड राइस के रिगार्डिंग सेंटर ने बूस्ट किया है सप्लाई को, एंड फूड सेक्रेटरी ने कहा है द न्यूट्रिशनल बेनिफिट इज कंज्यूमिंग द ग्रेन्स फॉर आउट वेट द रिक्स। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बताया गया यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जी के द्वारा ये बताया गया मंडे के दिन दैट सेंटर हैड स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस फ्रॉम अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 से सेकेंड फेज स्टार्ट कर दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस का, एंड अ टोटल ऑफ 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कवर्ड। ठीक है, इसमें 90 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे एंड द सेंटर इज टारगेटिंग 291 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो सेंटर कितने को टारगेट कर रहा है, 291 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, एक पेड स्कीम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था इन अक्टूबर 2021, जिसका मेन मकसद था टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस टू बेनिफिशरीज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एंड पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था पीएम पोषण स्कीम। ओके, इस पेट स्कीम के तहत ये दिया जा रहा था, इसको स्टार्ट किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया था इन अक्टूबर 2021 में, जिसका मेन मकसद था फोर्टिफाइड राइस को सप्लाई करना टू all those beneficiaries of integrated child development service ICDS प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, एंड पीएम पोषण स्कीम। ओके, ऑल द स्टेट हैव सेट अप अ स्टीयरिंग कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के एक जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टीयरिंग कमिटी को फॉर्म करेंगे और जिनको हेड करेगा चीफ सेक्रेटरी, एंड दे ऑल विल रिव्यू द होल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या करेंगे, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसको रिव्यू करेंगे। द स्टेट मेडिकल डिपार्टमेंट एंड ग्राउंड फंक्शनरीज हैव जनरली अवेयरनेस ऑफ पॉकेट ऑफ डिजीजेस। ओके, FCI के द्वारा बताया गया कि दैट दे हैड प्रोक्यूर्ड अबाउट 90 लाख टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस एंड अबाउट 2.2 lakh tons had been supplied to 90 districts in 16 states. He was confident that the entire quantity would be procured before the end of this year. It is continuous and complex process. About 90 lakhs ton is available with FCI and is lifting is done by the state. Okay, so however, jo country ki jo GDP hai lagbhag 1% lost hui hai, theek hai, from anemia. Theek hai, so this is again important news. Theek hai, jo ki maine aapko hope clear kar paya hoga. Okay, लगभग 90 लाख टन प्रोक्यूर किया है किसने, FCI ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और 2.2 lakh ton सप्लाई हो गए हैं, कहाँ, 90 डिस्ट्रिक्ट, 16 स्टेट के 90 डिस्ट्रिक्ट में ये सप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी ऑल स्टेट्स, एंड दैट जो कमेटी है दैट विल बी उसका एक हेड होगा चीफ सेक्रेटरी, और वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, इंडिया इज एक्सपैंडिंग इट्स न्यूक्लियर अरेसल। ठीक है, हमने अपना न्यूक्लियर अरेसल को एक्सपैंड किया है, 156 वॉरेट थे हमारे पास, हमने उसको एक्सपैंड करके 160 किया है। हाउएवर पाकिस्तान इज रिमेन एट सेम, ठीक है, अपने आंकड़े पर सेम है। ठीक है, उसके पास कितने हैं, 165 है। ठीक है, इन्होंने बढ़ाया था 10, ठीक है, 165 है, हमने 156 से 160 कर लिया। ठीक है, चाइना के पास कितनी है न्यूक्लियर वॉरेट्स, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चाइना इज हैविंग आई थिंक 350 न्यूक्लियर वॉरेट चाइना के पास है, जनवरी 2021 और 2022 के डाटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आज के डेट में किसके पास है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन, तो रशिया है, उसके बाद यूएसए आपके आ जाएगा। ठीक है, कुछ नए नॉर्म्स निकाले गए हैं रिगार्डिंग द सेंटेंस रिमिशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये इशू किए हैं मंडे के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज रिगार्डिंग द ग्रांट टू स्पेशल रिमिशन टू द प्रिजनर्स टू कॉमेमोरेट 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस को मनाते हुए ये स्पेशल रिमिशन ग्रांट करेंगे टू ऑल दोस प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर्स को, ठीक है, और ये एक पार्ट है आज़ादी का महत्व का अंदर इसको बनाया गया है, एक स्पेशल रिमिशन दैट विल बी ग्रांटेड टू द प्रिजनर्स। ओके, और ये तीन ये इनको रिलीज किया जाएगा तीन फेज में। ठीक है, तीन फेज में रिलीज किया जाएगा, अगस्त 15, 2022, जनवरी 26, 2023 एंड अगस्त 15, 2023। ठीक है, वो प्रिजनर्स प्री मैच्योर रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, विच द प्रिजनर्स हु वुड क्वालिफाइड फॉर प्री मैच्योर अंडर द स्कीम। ठीक है, कुछ ऐसे स्कीम्स हैं उसके अंदर में उनको प्री मैच्योर रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी स्कीम है, जैसे वुमेन एंड ट्रांसजेंडर कॉन्विक्ट एट द एज कॉन्विक्ट ऑफ एज 50 एंड अबव एंड मेल कॉन्विक्ट ऑफ 60 एंड अबव हु हैव कंप्लीटेड 50 ऑफ टोटल सेंटेंस पीरियड विदाउट काउंटिंग द पीरियड ऑफ जनरल रिमिशन। एंड ठीक है, तो ऐसे वुमेन और ऐसे ट्रांसजेंडर कॉन्विक्ट जो कि जिनकी एज 50 एंड अबव है, मेल कॉन्विक्ट ऐसे जिनकी 60 एंड अबव है, जो कंप्लीटेड अपने जो टोटल सेंटेंस पीरियड उनको कंप्लीट किए हैं 50% से विदाउट कंसर्निंग विदाउट काउंटिंग द
पीरियड ऑफ जनरल रिमिशन एंड, ठीक है। सो और भी कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज है जिनका जो अमंग अदर एलिजिबल दैट रिमिशन आर फिजिकली चैलेंज, ठीक है, ये फिजिकली चैलेंज किए गए, ठीक है, और डिसेबल्ड कॉन्विक्ट है जो 70% डिसेबिलिटीज आर मोर देन मोर हु हैव कंप्लीट 50% ऑफ टोटल सेंटेंस पीरियड, ओके। तो कुछ इस टाइप के पर्सन के लिए यहाँ पर प्रीमैच्योर रिलीज करने की बात की गई इस स्कीम के अंतर्गत, ओके। नाउ यहाँ पर कौन से ऐसे पर्सन है जिनको रिलीज किया नहीं जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होंगे रिलीज के, सो पर्सन कन्विक्टेड विद सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजमेंट, ठीक है, ऐसे पर्सन जो लाइफ इंप्रिजमेंट के सेंटेंस उनको दे दिया गया है उनको रिलीज किया नहीं जाएगा, नहीं किया जाएगा। कॉन्विक्ट इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, जो ऐसे पर्सन जिनका ताल्लुकात रखता है टेररिस्ट एक्टिविटीज से, पर्सन से, ठीक है, अंडर टेररिस्ट एंड डिस्टर्ब्ड एक्ट 1985 के तहत, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत, एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1982 के तहत, एंड ऑफिशियल सेक्रेटरिएट एक्ट 1923, एंटी हैकिंग एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के अंतर्गत जो पर्सन जो कॉन्विक्ट होंगे उन पर्सन को बेल नहीं दिया जाएगा, उन पर्सन को रीमिशन के तहत नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर रीमिशन, ठीक है, दे ऑल विल नॉट कम अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। नाउ मूविंग अहेड, आगे आने वाले कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी क्या कुछ आर्टिकल है, ओके, मूविंग अहेड, ठीक है। $1 आप सबको पता है 78 क्रॉस कर चुका है, $1 इज इक्वल टू 78 रुपीज, ठीक है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ इंडिया का जो कोल इंपोर्ट है इसमें हमें 11% की गिरावट देखने को मिली है, 186 मिलियन टन हमें देखने को मिला है इन फाइनेंशियल ईयर 2023 देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हमें गिरावट देखने को मिलेगी। जो नॉन कोकिंग कोल इंपोर्ट है दैट मे टच टू 130 मिलियन टन फॉरकास्ट किया गया है, ठीक है, उसमें बताया गया कि जो नॉन कोकिंग कोल इंपोर्ट है इट मे टच टू 130 मिलियन टन, ठीक है, इट फॉरकास्ट। सो जो इंडिया का कोल इंपोर्ट है इज लाइकली टू डिक्लाइन बाई 11% टू 186 मिलियन टन इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये 11.4% की हमें गिरावट देखने को मिली है इसमें, ओके। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है विच अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ डोमेस्टिक कोल आउटपुट, ठीक है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है जो कि 80% कोल आउटपुट लिमिटेड दिखता है, डोमेस्टिक कोल आउटपुट लिमिटेड दिखता है, लास्ट वीक इशूड टेंडर टू इंपोर्ट कोल इन बेड टू बिल्ड अप द स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट द इंडिजिनियस पावर प्लांट एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट्स, एंड द कंट्री इंपोर्टेड 210 मिलियन टन ऑफ कोल इन 2021-2022, ठीक है। तो पिछले साल अगर हम देखें तो उस डाटा के हिसाब से बताया जाए कि जो कंट्री ने इंपोर्ट किया 210 मिलियन टन कोल का इंपोर्ट किया है 2021-2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इंडिया में एक इंपोर्ट 172 मिलियन टन ऑफ कोल इन 2024-2025, ठीक है, तो कितना लगभग 172 मिलियन टन इंपोर्ट कर सकता है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, 173 मेट्रिक टन इन 2027-2028 में, 173 मेट्रिक टन 2027-28 में, और 170 मेट्रिक टन 2029-30 में। इंडिया इंपोर्टेड 215 मिलियन टन ऑफ कोल्स इन 2021 एंड 2049 मिलियन टन 2020, ठीक है। तो 2021 और 2020 में अगर मैं बता दूं तो 215 मिलियन टन और 249 मिलियन टन इंडिया ने इंपोर्ट किया था, ठीक है, लेकिन अभी आंकड़े आगे आने वाले सालों में कम हम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नाउ ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के जो कोल इंपोर्ट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, 11% की गिरावट देखने को मिली है, और आगे आने वाले दिनों में हमें ये कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिलेगी, ओके। नाउ ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आज के डेट में जो रशिया है इट बिकेम द सेकेंड बिगेस्ट ऑयल वेंडर्स टू इंडिया, ठीक है, इराक के बाद अब रशिया आ गया, उसके बाद आपको सऊदी अरेबिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किस लिए हुआ है, आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ा था, रशिया से हमें कम दामों में हमें तेल मिल रहा है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल बहुत कम दामों में मिल रहा है, तो इसलिए हमने बहुत सारे बैरल्स खरीदे रशिया से, लगभग 25 मिलियन बैरल खरीदे हमने रशियन ऑयल से, रशियन कंपनी से, ठीक है, और ये हमें बहुत ज्यादा सस्ते दामों में मिल गया, इसलिए रशिया हैज नाउ बिकेम द सेकेंड बिगेस्ट ऑयल वेंडर टू इंडिया, ठीक है, और इट सरपास्ड सऊदी अरेबिया, और अभी जाके इराक के पास, अभी इराक को भी शायद में हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में इराक को भी फेल करे और रशिया बिकम द बिगेस्ट ऑयल वेंडर टू इंडिया, ओके। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स सी, और कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल है नहीं, आज मैंने थोड़ा न्यूज़ को जल्दी बढ़ा दिया, ठीक है, और कुछ अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट हुआ होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी बता दिया सारी चीज़ें, ताकि मेरे को थोड़ा सा आज काम है तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी से जल्दी से क्लियर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला रहेगा, प्लीज़ लेट मी नो इन दैट, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग अ वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.